हेलो एवरीवन, हम लोग कैट 2019 के क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले चार पांच क्वेश्चन बताए हैं, वो आप देख लो एक बार, और उसके बाद फिर यहाँ से आप क्या करेंगे इनको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन्होंने बोला, एट देयर यूजुअल इफिशेंसी लेवल्स ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ टास्क इन 12 डेज। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ए और बी कुछ दो लोग हैं, जो कोई एफिशिएंसी है उनकी जिससे वो किसी वर्क को 12 डेज में खत्म कर दे रहे हैं। इफ ए हैड वर्क हाफ एज एफिशिएंटली एज सी यूजली डज एंड बी हैड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली एज ही यूजली डज, द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 9 डेज। हाउ मेनी डेज वुड ए टेक टू फिनिश द टास्क इफ सी वर्क्स अलोन एट देयर यूजुअल एफिशिएंसी। मतलब इन्होंने बोला है कि अगर ए और बी दोनों किसी वर्क को कर लेते हैं कितने दिन में, ये कर लेते हैं 12 डेज में, तो हो क्या, एक की एफिशिएंसी को आप हाफ कर दो, बी की एफिशिएंसी को 3 टाइम कर दो, तो कितने टाइम में वर्क आपका फिनिश हो जाएगा, ऐसी बात इन्होंने पूछी है। लेकिन कौन करे अकेला, सिर्फ ए करे तब। ठीक, तो आओ और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, पहला काम तो हमारा यही है कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको टोटल वर्क नहीं पता है। जब भी कभी ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए, तो जैसे ए प्लस बी का टोटल डेज हमको 12 दे रखा है, तो आप काम क्या करा करो, इसी का कोई एक मल्टीपल ले लिया करो। वर्क इसका कोई मल्टीपल जैसे 12 है, 36 है, 24 है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप। तो हमने बोला है आपसे इसका कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। तो हमने काम क्या करा, यहां पर हमने काम करा ये कि हमने टोटल वर्क, लेट टोटल वर्क बी 12, हमने टोटल वर्क कितना ले लिया, 12 ले लिया। अब आपको एक बात पता होगी कि जो मेरा वर्क होता है वो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो अगर हमें किसी का डे चाहिए, तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम करोगे। वर्क आपके पास 12 है और एफिशिएंसी भी, टाइम भी आपने 12 ही ले लिया है, तो आपकी जो ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ए प्लस बी की जो कंबाइन एफिशिएंसी अगर वो 1 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ए की एक्स है तो एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 होगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। मतलब हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, a हमने x ले लिया, तो b हमको कितना मिल गया, 1 - x मिल गया। यहां तक आप सारी बातें समझ गए होंगे। पहले हमने टोटल वर्क ले लिया है 12, 12 से डिवाइड करके हमने 12 डेज दे रखा था, इसलिए हमने 12 से डिवाइड करके क्या निकाल लिया, दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी। उसमें से a की एफिशिएंसी को हमने x बोला है, और b की 1 - x हो जाएगी, क्योंकि वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई दोनों की एफिशिएंसी। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप पर। दूसरा स्टेप आपसे ये कहेगा, दूसरा स्टेप ये कहता है आपसे कि देखो, उन्होंने बोला है कि ए की एफिशिएंसी को हाफ करो, तो हाफ करोगे तो एक्स बाई टू हो जाएगी, और बी की एफिशिएंसी को थ्राइस करो तो 1 - x * 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आपको ये बताया इन्होंने कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 9 डेज में। तो आपको ये देख करके लग रहा होगा कि वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम से निकाल सकते हैं। अब एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी, तो दोनों को ऐड कर लो, तो ए प्लस बी की जो कंबाइन एफिशिएंसी हो कितनी हो जाएगी, यहां पर यह हो जाएगी एक्स बाई टू प्लस 3x - 3x, नहीं सिर्फ 3 होगा, -3x होगा, और ये आपका 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। ये हो गई एफिशिएंसी। अब हमको वर्क लिखना है, तो वर्क हमें पता है कि 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू जो कुछ आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी टोटल वर्क के इक्वल हो जाएगी। -3x पहले लिख लो, 3 इधर लिख लो, और ये टोटल हमें पहले से दे रखा है, कितना लिया था हमने, देखो 12 लिया था। अब किसी के दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि 12 ना लेके 24 लेते तो क्या ऐसा ही होता, बिल्कुल ऐसे ही होता, तो भी होता 36 पर होता, बस उसी के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी अपने आप ही चेंज हो जाती। तो यहां पर आप वैल्यू डाल दो 12, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9, और इसको इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखना, 6 माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 5x / 2 + 3 हो जाएगा।
अब आप इसको थ्री से काट दो तो थ्री से थ्री टाइम, थ्री से फोर टाइम, तो हमने देखा कि इधर वैल्यू हमारी होगी फोर बाई थ्री, और इसको इधर भेज दो तो माइनस थ्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस से एक्स, फाइव एक्स अपॉन कितना टू, ये भी देखो नाइन माइनस फोर, ये भी माइनस फाइव बाई थ्री आया, ये माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स डिवाइडेड बाई टू, ये फाइव से फाइव कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, आपको पता है ये कट जाएंगे दोनों, माइनस से माइनस कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहां से टू बाई थ्री, और हमको चाहिए भी क्या था, यही चाहिए था क्योंकि देखो लास्ट में उसने बोला है ए एलोन अगर अकेले करेगी तो कितने दिन में वर्क फिनिश हो जाएगा हमारा, तो अब ए की एफिशिएंसी पता है आपको, टोटल वर्क पता है आपको, सिर्फ टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 12 डिवाइडेड बाय 2 बाय 3 और 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितने टाइम 6 टाइम, तो आंसर आपका कितना हो गया 18 डेज। तो यहां से पता चला कि अगर ए अकेले करेगा या अकेले करेगी तो जो वर्क है हमारा वो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा, यहां पर 18 डेज में खत्म हो जाएगा। तो हमने देखो कुछ इसमें नई चीज नहीं करी हमने, सब कुछ जैसे एकदम बेसिक चीज आपको पता होती कि कैसे क्या अप्रोच करना है वैसे ही करा है, बस यहां पर पहले हमने टोटल वर्क लिया, उसके बाद दोनों की एफिशिएंसी निकाल ली, उसके बाद हमने क्या करा है फिर से ऐड करके और मल्टीप्लाई करके 9 से इक्वेट कर दिया 12 को, यहां से हमारा दोनों वर्क इक्वल हो जाएगा क्योंकि वही वर्क ये लोग कर रहे हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू आ गई 2/3 और हमने 12 को फिर से डिवाइड करके क्या निकाल दिया 18 डेज निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्या कहता है। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखो इसमें बोला इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर सीडी इज अ डायमीटर एंड ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 20.5 सेंटीमीटर, इफ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई इन साइड, इस बात को ध्यान रखना इन साइड द सर्कल एंड सी हैज लेंथ 7 सेंटीमीटर देन द डिफरेंस ऑफ द लेंथ ऑफ बी ई एंड ए ई इन सेंटीमीटर इच। तो यहां पर पहली चीज तो आपको मैं एक चीज यहां बताना चाहेंगे, थोड़ी सी छोटी सी बात है उसको जान लो, आप जानते भी होंगे लेकिन फिर भी देख लो, जैसे कभी भी दो कॉर्ड इंटरनली अगर इंटरसेक्ट करती हैं, या आपका एक सर्कल है ये पहली कॉर्ड हो गई ये दूसरी कॉर्ड हो गई, ये समझ लो ये है ये बी है और ये आपका क्या है यहां पर सी है और ये डी है, तो ये कहीं ई पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये पता है कि इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ इसका लेंथ इक्वल आता है, कैसे आता है सिमिलरिटी लगा के आता है, वो आपको जब आप रेगुलर क्लासेस पढ़ते होंगे तो ये बात आपको जरूर बताई जाती होगी। तो ए इंटू ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर देखो डी इंटू ई सी हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए इंटरनली कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हो, डायमीटर भी एक तरीके से क्या होती है कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर बोले हम किसी सर्कल में क्या होती तो आप बोलेंगे डायमीटर। तो अब यहां पर मैं एक सर्कल बना रहा हूं, देखना ध्यान से, हमने ऐसे कुछ एक डायमीटर बना दिया, आप कुछ भी ऐसा लिख दो, ऐसे एक सीडी हमारी क्या है डायमीटर, सीडी है या एबी है, सीडी है, सीडी एक डायमीटर है और इन्होंने बोला है कि आपकी जो एबी है वो एक कॉर्ड है, तो एबी आप कहीं से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं, और यहां पर आपका इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पर, पहली चीज इसमें देखो लेंथ कौन कौन सी पता है, इसमें हमें सी की लेंथ पता है यहां से यहां तक की कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये आपने लिख लिया 7 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि अगर ये डायामीटर है, ये डायामीटर है यहां कहीं सेंटर ओ होगा तो पूरी लेंथ हमारी कितनी रही होगी 22, क्योंकि रेडियस हमारी 11 है, तो जो बाकी बची लेंथ हो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 15, क्यों 22 माइनस 7 कर दोगे आप, ये आपकी 7 है इधर वाली, हमको यहां से ईडी की भी वैल्यू मिल गई। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इन्होंने एक बात बोली है कि जो हमारी ये ए बी कॉर्ड है, ये जो ए बी कॉर्ड है ये पूरी पूरी इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20.5 है, तो अगर हम आपसे कहें कि यहां वाली लेंथ ये वाली कुछ x है तो ये बची लेंथ कितनी हो जाएगी 20.5 माइनस x हो जाएगी। अब आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसी थ्योरम जैसा कुछ बन गया यहां पर, तो अब हम लोग काम क्या करेंगे इसको रफ करेंगे और यहीं पर लिखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो पहला हमारा क्या है, देखो c मल्टीप्लाई बाय ed है, दूसरा वैल्यू क्या है हमारे पास ए है मल्टीप्लाई बाय eb है, वैल्यू डाल देते हैं तो आप देखेंगे कि वैल्यू जब डालोगे तो 7 है आपका, ये वैल्यू आपका 15 है, और इधर से अगर हम देखें तो वैल्यू हमारी हो जाएगी x इंटू 20.5 माइनस x, तो इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, तो x 20.5 माइनस x इज इक्वल टू 105,
अब बात आती है कि क्वाड्रेटिक बन गई। पहला रास्ता तो हमारा यही कि हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। पहला जो हमारा रास्ता है वो क्या है, ये क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करें। दूसरा हम थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। देखो कॉमन सेंस क्या यूज करोगे, हमको ये पता है, हमको ये पता है कि अगर इस वैल्यू को मैं कुछ 10 रख दूं, ध्यान से देखना ये वाली वैल्यू 20 माइनस एक्स है, यानी ये कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते हो, ध्यान से देखना क्या 105 के इक्वल है, तो हमको सारी वैल्यूज यहां पर देखो सेटिस्फाई मिल गई। ये सेटिस्फाई कर गया 10 रखने पर, ये क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि यार हम इतनी जल्दी कैसे अप्रोच कर पाएंगे, आप ये सोचो 100 से ज्यादा, मतलब 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब 10 के करीब की ही कोई वैल्यू रखनी पड़ेगी तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो ये आप कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, काम ये कर सकते हो कि इसको इससे प्रोडक्ट कर दो और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, या आप क्या कर सकते हो फैक्टराइज करके आप सॉल्व कर सकते हो अगर फैक्टराइज हो जाए तो। ठीक है, तो दो तरीके हैं। अब हमको यहां पर वैल्यू मिल गई, देखो किसकी, उन्होंने जो जो बोला उसकी वैल्यू मिल गई हमको। ए मिल गया कितना यहां से 10, और हमको बी मिल गया है यहां पर देखो कितना, बी मिल गया मुझको 10.5। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, यानी वैल्यू क्या होगा बड़े से छोटे का, तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.5 सेंटीमीटर, यूनिट जो भी है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी आसान ही था, दोनों एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आप क्लास में कई सारे करते हो, ये उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।